देखिए, दिल्ली जनमंच ने अपनी तरफ से आयोजन किया कि भारत में जो संवैधानिक अधिकार लोगों के हैं उन्हें उनका हनन हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको हर 3 महीने बाद रासुका में बढ़ा करके उन्हें जेल के अंदर डाला गया है, जो अवैधानिक है, और देश की सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है, न्यायपालिका इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि जन जागरण के लिए हम इन सब चीज़ों के लिए जनता के सामने लाएं। अब क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, और लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है कि वो राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति को ज्ञापन दे करके अगर हम अपनी बात नहीं कहेंगे तो हम किस तरह से बता पाएंगे कि हमारे किसी साथी के साथ या संविधान के साथ में छेड़छाड़ करके अवहेलना की जा रही है और हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये एक हमारा राइट है कि हम सरकार को इस बात के लिए बताएं कि हमारे साथ जो किया जा रहा है, हमारे समाज के साथ जो किया जा रहा है, भारत की एक जनता जिसको हम कहते हैं दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर, नौजवान, इन सबके साथ में जो अशोभनीय व्यवहार किए जा रहे हैं, इन महिलाओं के साथ में जो गलत तरीके से बलात्कार किए जा रहे हैं, ये सब चीज़ों को रोकने के लिए सरकार के कोई तो बात आपको कहनी होगी, और उसके लिए जन आंदोलन ही एक जगह है, और उसमें जो आपका ये पार्लियामेंट स्ट्रीट सरकार ने चिन्हित किया है कि यहाँ पर आकर के हम सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं, तो उस ज्ञापन को देने के लिए हम आए हैं, और हम बताना चाहते हैं कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान ले। डॉक्टर साहब, इस तरीके के धरने पड़ते हैं जब भी कभी दलितों पर, मुस्लिमों पर जब इस तरीके अत्याचार होते हैं, धरने प्रदर्शन दिए जाते हैं, और महामहिम को एक ज्ञापन दिया जाता है, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जाता है, क्या अभी तक ऐसे ज्ञापनों पर कितना अमली जामा पहनाया गया है? देखिए, एक बात बता दूँ, जन जागरण एक स्थिति है, और जन जागरण में सबसे बड़ी जो शक्ति है वो ये है कि आज हमने भले ही यहाँ पर 10-20-50 लोगों के बीच में ये बात कही है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि सरकार और जनता में ये मैसेज जाता है। पहले मीडिया था जो अखबारों में छापता था, आजकल मीडिया बिक चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिक चुका है, लेकिन सोशल मीडिया आज भी इतना ताकतवर बन गया है कि वो जन जन तक इस बात को पहुंचा रहा है, और उसका परिणाम ये मिल रहा है कि 2 अप्रैल हमने देखा कि जब न्याय व्यवस्था ने भी हमारा साथ देना बंद किया, तो 2 अप्रैल को हमने जो जन जागरण देखा था वो किसी नेता से नहीं, वो किसी प्रचार से नहीं, वो स्वयं सोशल मीडिया से प्रभावित होकर के वो सड़कों पर उतरे, और उसका रिजल्ट है कि अब सरकार हिली फिर रही है और उनको मैनेज करने की कोशिश कर रही है, और उन्हें डराने और उन्हें धमकाने और उन पर मुकदमे लगा करके उनका मर्डर करा के जो जिस तरह का जो आयोजन हो रहा है, ये देश को जगाने की एक प्रवृत्ति है, और इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार को इस बात के लिए तैयार करें। सर, क्या मानना है आपका इस तरीके के भारत के अंदर कभी दलितों को टारगेट किया जा रहा है, कभी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? ये सब पॉलिटिकल ट्रेंड बन गया है। पॉलिटिक्स अब देश के लिए नहीं होती, आम जनता के लिए नहीं होती, बल्कि एक बिजनेस बना दिया गया है, क्योंकि पूंजीपतियों के हाथ में सरकार चली गई है, और पूंजीपति वो पब्लिक से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई भूखा मरे, कोई मजदूर हो, मजदूरी ना मिले, या उसके साथ में अत्याचार हो, या उसके कहीं पर बलात्कार हो, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने ट्रेंड में काम कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी सरकार को बनाए रखें, उसके लिए चाहे वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाएं, चाहे वो किसी योगी जोगी को मैदान में उतार दें, किसी को भगवा कपड़े पहना करके मुसलमानों के बीच में उतार करके गालियां बकवाएं, वो इस तरह के ट्रेंड अपना रहे हैं, और पैसा उनके पास में अपार पैसा है, क्योंकि सारी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, उनको पैसे की कोई कमी नहीं है। अब वो अगर पब्लिक को का दबाव महसूस जैसे कर रही है, तो वो अभी भी असंवैधानिक तरीके से अपनाते हुए लोगों पे नाजायज़ दबाव बना रही है, नाजायज़ मुझ पर मुकदमे कायम कर रही है, या फिर पैसे के जरिए लोगों को खरीदने की कोशिश कर रही है, जनता की बात सुनने के लिए आज ये सरकार तैयार नहीं है। अब 2019 का जो चुनाव आ रहा है उसके अंदर क्या बीजेपी रिपीट मारेगी, या ये क्या माहौल रहेगा? देखिए, मेरा ऐसा कुछ मानना है कि जितनी जनता है, और ख़ास तौर से बहुजन समाज के लोग, चाहे उसके अंदर ST SC हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे OBC के लोग हों, उन लोगों की तो एकता बन चुकी है। अब ये चीज़ सोचने की है, जो
हाई लेवल लीडरशिप है उसके लिए। अगर वो जनता को बांटने की कोशिश करती है तो ऐसी शक्तियां फिर कामयाब हो सकती हैं। उसकी जिम्मेदारी बनती है हाई लेवल जो हमारी लीडरशिप है कि वो भी ऐसे ही इकट्ठी हो जाए जैसे कि जनता इकट्ठी हो चुकी है। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन, अगर 2019 के अगर चुनाव होता है तो आप उन चुनावों को मशीन के द्वारा कराना पसंद करेंगे या बैलेट पेपर के द्वारा पसंद करेंगे? जी, पब्लिक का जो मन है, पब्लिक का नहीं, नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि मशीनों से लोगों का भरोसा उठ चुका है और मशीनों के अंदर टेम्परिंग हो रही है, ऐसा मैं भी अपने मन से मानता हूँ, क्योंकि अक्सर जगह ऐसी रिपोर्टें आ चुकी हैं, ऐसी रिपोर्टें ज़्यादातर आ चुकी हैं कि जब भी मशीन में गड़बड़ होती है तो बीजेपी को ही वोट डलता है, अगर मशीन गड़बड़ करती है तो वो किसी दूसरी पार्टी को भी वोट डलवा सकती है, लेकिन मशीन की गड़बड़ होने पे बीजेपी को वोट डलना, बीजेपी का वोट डलना इस बात को दर्शाता है कि मशीन के अंदर सेटिंग है और मशीन के अंदर खराबी है। लिहाजा जैसे पहले हमारे इलेक्शन होते आए हैं ब्लैट पेपर से जैसे पहले इलेक्शन होते आए वैसे ही इलेक्शन कराया जाए।